हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली मिश्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानेडा। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं पेपर वन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। टॉपिक है मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट या जेआरएफ में। सो ये आपके यूनिट 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 10 माने कि हायर एजुकेशन सिस्टम का। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। बहुत छोटा सा सेशन है, सोशल मीडिया हैंडल्स को एक बार देख लें। फेसबुक पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ज्ञानेडा बाय शिफाली टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ चाहते हो तो यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा एंड साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ यहां पे आपको सब मिल जाएगा। तो अगर आप ज्ञानेडा के चैनल से अभी तक जुड़े ही नहीं हो तो जुड़ जाना। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ये ज्ञानेडा का चैनल है यूट्यूब का। अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ये पूरी प्लेलिस्ट यहां पर आपको मिल जाएगी, यूजीसी नेट जेआरएफ जो भी डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड करे जा रहे हैं यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही यहां पे कुछ सब्जेक्ट्स के और भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। तो मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मेटा का मतलब होता क्या है। मेटा का मतलब होता है मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स अवेलेबल। ये फुल फॉर्म पहले तो आप समझे मेटा का। किसी भी कंसेप्ट को समझने से पहले कंसेप्ट को तोड़ देना चाहिए और कंसेप्ट को बीच से जब आप समझोगे तो बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में समझ पाओगे। तो मेटा एक एक्रोनिम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है एम स्टैंड्स फॉर मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स अवेलेबल। मतलब कि सबसे प्रभावी तरीके से जो एक रणनीति बोल सकते हो, जो टेक्निक बोल सकते हो, या मोस्ट जो भी पॉसिबल टैक्टिक्स अवेलेबल हो सकती है उसको आप उसको बोलते हैं मेटा। या इसको आप बोल सकते हो कॉलिंग समथिंग मेटा मीन्स इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू अचीव दी गोल। किसी भी गोल को जब आपको इफेक्टिव वे से अचीव करना होता है तो उसको बोलते हैं मेटा। अगर इसको यूनिवर्सिटी से ला दिया गया, मतलब अटैच कर दिया गया इस कंसेप्ट को, तो इट मीन्स कि यूनिवर्सिटी मतलब कि एडुकेशन को सबसे इफेक्टिव वे में किस प्रकार से हम ले सकते हैं और स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। हमारा जो मेन गोल है, जो मेन एम है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में उनको प्रोवाइड कराना। ये है मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट। आपने मेटा का मतलब समझा कि मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स जब अवेलेबल होती है, मतलब सबसे इफेक्टिव वे में किसी भी गोल को अचीव करना। और किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी कॉलेज का सबसे इफेक्टिव या सबसे आप बोल सकते हो बड़ा गोल क्या है? गोल सबसे बड़ा ये होता है कि इफेक्टिव तरीके से हम लर्निंग प्रोवाइड करा सके स्टूडेंट्स को, उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कंसेप्ट आया 2012 में। मेन पर्पज है मेटा यूनिवर्सिटी का कि वो अपनी लर्निंग रिसोर्सेज शेयर करें डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ में कोलैबोरेशन करके, नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके, सारी लर्निंग रिसोर्सेज को उनको अवेलेबल कराया जा सके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो बेसिकली आपने ये समझा कि मेटा का क्या कंसेप्ट है। और मेटा जब यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट में आ जाएगा तो इट मीन्स कि उनका जो गोल है वो बहुत वाइडर स्कोप पे हो जाएगा, वो हॉलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, मतलब समग्र शिक्षण अभियान एक तरीके से बोल सकते हो कि हॉलिस्टिक लर्निंग प्रोग्राम या लर्निंग अप्रोच बोल सकते हो। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो शेयर करती हैं। क्या शेयर करती हैं? लर्निंग रिसोर्सेज को शेयर करती हैं। लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास में वीडियोज हैं, राइट, अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक्स हैं, या अगर अब आप बोल सकते हो ऑनलाइन ई लाइब्रेरी बोल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरी को नहीं एक्सेस कर पाते हैं, तो उनको ई लाइब्रेरी प्रोवाइड करना, उनको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करवाना, उनके रिकॉर्डिंग्स के थ्रू उनको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करना, पूरी प्रॉपर स्मार्ट क्लास उनको प्रोवाइड करा देना ताकि उनकी लर्निंग बेटर हो सके। क्यों? हॉलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस हमें उनको प्रोवाइड करना है। हॉलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब समग्र लर्निंग, मतलब कि पूरा कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करना। हॉलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, मतलब कंप्लीट टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करना है। जैसे कि इसमें आप बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स को भी इसमें अटैच करा गया हुआ है, जॉइंट डिग्रीज प्रोग्राम को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके इस चीज को पूरा बनाया गया हुआ है। यूजीसी ने इसको अप्रूव किया हुआ है, क्योंकि यूजीसी जो है दिल्ली, जो यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यही किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की या किसी भी कॉलेज की माई बाप होती है। एक तरीके से बोलें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होती है वही सब कुछ डिसाइड करती है कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से काम करेंगे, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करेंगे, क्या फॉलोअप करना है, सारा कुछ यूजीसी ही डिसाइड करती है। बात आती है कि लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो क्या कुछ चीज़ें
होलिस्टिक अप्रोच के अंदर में या मेटा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हम ये चीज़ सोचते हैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, तो बात यह है बस इतनी सी कि स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करानी है, उनको ऑनलाइन ऐसे पढ़ाई वाले सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराने हैं, लर्निंग सॉफ्टवेयर्स, उनको रेलिवेंट रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कराने हैं, उनको अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड कराने हैं, स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ जो होते हैं, एंड साथ ही अगर वीडियोज़ वो लाइव नहीं सेशन ले पा रहे हैं तो उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करनी है, या जितनी भी चीज़ें स्टडी से संबंधित हैं आप उनको प्रोवाइड कराएंगे, आप हमारे कौन यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कराएंगी, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराएंगी, और सबसे जो पहली यूनिवर्सिटी है मेटा यूनिवर्सिटी के अंदर में वो है डीयू। डीयू ने कोलैबोरेशन किया हुआ था, जामिया मिलिया से कोलैबोरेशन किया था, और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सबसे पहले अगर किसी ने अडॉप्ट किया तो वो है डीयू ने किया था। ये एक तरीके का मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग है। डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग के अंदर में एडुकेशन को एक्सेसिबल प्रोवाइड किया जाता है, वाइडर रेंज पे स्टूडेंट्स तक पहुँचाया जाता है बाय लेवरेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि आईटी का इस्तेमाल करके, आईटी को यूज़ करके इनका लेवरेज, मतलब इनका इनको एज अ सपोर्ट सिस्टम बना करके इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है आईटी का, ताकि जो अवेलेबल कंटेंट है, जितने भी आपके पास में लर्निंग रिसोर्सेज के कंटेंट है या पेडागॉजिकल एवेन्यूज, मतलब कि नए नए जो शिक्षण रास्ते हैं वो एक नए तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके आईटीज का इस्तेमाल करके, स्मार्ट क्लासेस का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ऑनलाइन लर्निंग्स को प्रोवाइड करके। तो इसीलिए इसको बोला गया डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग मॉडल, कंसेप्ट भी बोला गया। तो ये आपको समझ में आया कि मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है। जब ये कंसेप्ट पहली बार 2012 में लॉन्च हुआ था तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहली बार फॉलो किया था। ये जॉइंट इनिशिएटिव था दिल्ली यूनिवर्सिटी का जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ में। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा गया हुआ यूजीसी नेट में। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दें, मुझे बताएं कि इन चारों में से सही आंसर क्या है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट, ए बी सी डी। अपने सही आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने अभी तक ज्ञानेडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड गाइज, बी पैशनेट, बी योर ओन मोटिवेशन, अपनी प्रेरणा आप खुद बनिए। आपके अंदर इतने कैलिबर है, इतना पोटेंशियल है कि आपको किसी और से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। अपने टारगेट्स आप खुद सेट करिए और उसी टारगेट को अगले दिन कोशिश करिए बीट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। सो गाइज, बी योर ओन मोटिवेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यूजीसी नेट टारगेट 2021, ऑल द वेरी बेस्ट।